अब बोलिए ना। सो गाइस, सुबह के अभी बज गए हैं 9 और हम उठ चुके हैं। और देखिए, अपनी बानर सेना के साथ दीदी आ चुकी है मेरे रूम में। गाइस, तो देखिए, ये दीदी अपने बानर सेना के साथ बानर सेना के साथ आ चुकी है मेरे रूम में। अब तुम चुप रहो, हम बोल रहे हैं। तो ये है सबसे छोटी बंदर आद्या। और इसने क्या किया, मेरा रुद्राक्ष का माला लेके डाल दिया है। इसके ही बराबर है ये माला, दिखाना आद्या। आद्या आजा लड्डू, ये है माला। जीजू बोलिए ला, अपन माला रख लो। सुबह सुबह आपको मेरा मुंह देख के तो अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, इतना अच्छा है ना, आपका दिन बन जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ऑफिस से जरूर दो चार बार डांट सुन लीजिएगा आज। डलेगी, हम बनियान पे हैं, इज्जत थोड़ा बच्चा। एक सेकंड नहीं बेटे, इसको ब्रश इज्जत भी है। लड़की इसको ब्रश नहीं कराओगी? कहाँ पैसल रोग होगा, इज्जत कराएंगे। आद्या अब बात कर लिए हैं घर पे। हाँ, बसी 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 सोए थी तो बात कर लिए। थैंक यू। हम उठे हैं तो गाइस हमको आ गया था। यस, क्योंकि रात में हम जब आ रहे थे तो हम कॉल करके आए थे, पापा से ही बात कर लिए थे। हम लोग रूम लेते लेके सुबह के 5:30 बज चुके थे। हम मस्त 11 बजे तक 10 बजे तक सोए हैं। पहले कट कर दीजिए। कट कहाँ किए? हम वीडियो कोई कट नहीं करेंगे, पहले कट किए वो डालेंगे। 11 बजे तक सोए हैं मस्त हम लोग गाइस। नहीं, लेकिन मैं 9 बजे तक सोया। ये थोड़ा स्टॉक कर रहे थे ये लोग। 11 बजे और 9 बजे तक सोया है, हम 10:30 बजे तक सोए हैं, क्योंकि सुबह सोए थे लोग 6 बजे जिस टाइम उठना था। अब मेरी बेटी बेचारी का एकदम जगले जगले। आद्या गिव इट टू मी, आद्या गिव इट टू मी। चलिए, मेरे दीदी का फोन आ गया, ननद का। और न अभी हम पापा जी से भी बात किए, मम्मी से भी बात किए, और मतलब सबसे बात बात हुई है। और सब लोग को बता दिए थे हम लोग कल रात में ही कि हम लोग मतलब रात में क्या, हम लोग जब निकलने वाले थे उससे पहले बता दिए थे कि हम लोग निकलने वाले हैं। और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम आए हैं तिरुपति, लाइफ में पहला ट्रिप है इन लोगों के साथ। मेरा भी पहला ट्रिप है तुम्हारे साथ, पहला ट्रिप भी है और पहला वो है। अभी ये लोग मेरे पे चर्चा कर रहे थे कि तुम वहाँ रुकती ना आश्रम के पास, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, लॉज धर्मशाला। धर्मशाला, हाँ हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है उसका नाम सुनने में। तो धर्मशाला में बोल रहे थे लोग रुक जाओ, लेकिन हम ना गाड़ी में बैठे थे। और हमको क्या हुआ ना कि हम लोग का गाड़ी पार्किंग में था, तो एक आदमी ना पूरा गाड़ी में ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही में इसको स्टॉप कर रहा था वो। फिर हमें सिक्योरिटीज की कुछ कमी है, मतलब रीजन के वजह से हम आ गए होटल ले लिया हमने, मतलब काफी ढूंढने के बाद होटल मिला। ये लोग पूरा बेड बिस्तर सब लेके चले गए थे, ये लोग मजे से सो रहे थे और हम और जीजू भटक रहे थे होटल के लिए। वो भी सो, देखिए वो भी, वो ही पहले गया था जीजू और वो उसका पैर हो गया। हो गया, नाम खत्म। पहले मैं ही गया था, हम गाड़ी में थे तो हम लड्डू और छुटकी तीनों गाड़ी में थे। धर्मशाला खोजने गया था कि वो होटल खोजने गया था। पहले मैं गया था दीदी, कुछ भी गया था, कहीं भी गया था, कहीं भी गया था, कोई भी गया था। धर्मशाला के लिए बस गया था लोग, फिर बोरिया बिस्तर लेके आए लोग, तो बोले देखो ना वो बोरिया में कुछ मतलब कर रहा है। फिर उसके बाद से हम लोग थोड़ा ध्यान दिए और निकल गए वहाँ से। हम बोले कि हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सेफ्टी सबसे पहले है। भले कुछ भी हो, पैसे ज्यादा कम लगे कोई बात नहीं है, लेकिन अपना आराम से देख के चले। वैसे भी दीदी की सैलरी आई थी तो हमें पैसों का टेंशन था ही नहीं, क्योंकि इसी को खर्चा करना था। तो जितना उड़ा सकते हम उड़ाएंगे। तो अभी फिलहाल हम जाएंगे, हम लोग की टाइमिंग जो है दर्शन की वो है रात के 9 बजे की। तो पता नहीं आज हम चलेगी ना, पूरे 9 बजे तक टाइम होगा। ठीक है, मेरे को ना एक अच्छा सा शर्ट दिलवा देना। ठीक है, और तुमको क्या चाहिए बस? नहीं कुछ, बहुत सारा उसको बनियान दिलवा देना। बहुत सारा प्यार, बनियान मेरे पास बहुत है कि कंपनी खुल जाए। प्यार मुंह देखे हो, इंक्रो से पूछा है। आपको क्या चाहिए जीजू? दीदी शॉपिंग कराने जा रही है। नहीं, इससे पहले पूछ लो तुमको क्या चाहिए। मुझे चाहिए चड्डी। मैं पब्लिकली नहीं बोल रहा था, जो बोलना है बोलते रहिए, हम कट कुछ नहीं करेंगे। बेबी कल कहां गई थी घूमने? तो हाँ, इसका वीडियो मैंने ना बेबी को घुमा रहा है। ये बेबी से अपने बात करें। महाकाल जा रही हो? जय श्री महाकाल। जय श्री बेबी। अच्छा, यस
अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद। और भी बताओ, मेरी याद नहीं आती। गेट बंद कर देना। अभी आप तो घर में दरवाजा बंद कर का नोटी। आपका बेटवा कहाँ छोड़ के आ रहा है? नहीं, बेटवा ट्रेन बोला, ट्रेन देख रहा है। ट्रेन तो मैं मिला था मौसी। अब मौसी कर रहे हैं अपने बेबी को। यार इनकी मौसी इनकी मौसी बेबी है। तो मेरी बेबी है मौसी इनकी बेबी है। मामी जी का मैसेज आ रहा है कि आपको फोन पे देख रहे हैं, आपको सामने से देख के तो मामी नहीं बोलते। तो हम बोले भाई ऐसा ऐसा मामी या मौसी रहेगा तो दूसरे लोग को बाहर का घुमाएगा, कोई गर्लफ्रेंड क्यों घुमाएगा? मामी या मौसी से ही घर हरा भरा रहेगा। अपना भी बता रहे हैं मुंह पे पिंपल्स निकले ला, ट्रेन ना निकले। अच्छा प्रेम गुटा। हाँ हाँ, अभी बात करके मेरा चेहरा पूरा पिंक पिंक हो गया है। तो बगीचा बोल दिया है, गोलमरीच ले जाओ। बेबी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप आ जाओ ना, मिले हुए भी तो बहुत दिन हो गए आपसे। आप सब सुनाओ विकास, सुनील कहती है जी खूब घूम रहे हैं। आप भी आइए ना, आपके लिए हम गलत थोड़ी हैं। दिखने जगह ही है, आधा आप हैं तो आधा हम हैं। भले एक दो जान है लेकिन जिस तो एक ही है हम लोग। दो जिस्म होता है, जान एक होता है। दीदी जी का है आपकी? दीदी जी से बतियाइए। लो दीदी बतियाओ तो मेरी बेबी से। बेबी जी बोलेंगे क्या? हाँ। हेलो हेलो, नमस्ते मौसी जी। मौसी ने बेबी, अरे तो तार लो के बेबी नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। और सब सुनाइए। और सब तो सब मस्त है। हम बोले ऐसे सब मामी या मौसी रहेगा, लगता है लड़का लोग बाहर नहीं जाएगा घूमने। अरे मत कहिए, उन लोग का क्या ये मेरी सीरी दे दी है। आप कहाँ देख लिए हमको? कल रात दिन रात तो हमको दिखाएंगे तो हमको। देख रहे हो बेबी, तुम्हारे बारे में हर जगह चर्चा हो करते रहते हैं हम लोग। एक सेकंड आपके नाम के बिना जीना मुश्किल हो जाता है हम लोग। मौसी की बात तो कर लेंगे, फोन उठा लिया। फोटो देख ली? फोटो तो देख लिए। अरे आपका फोटो देख दी मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर परी कहाँ से आती है? बात हुआ था ना कि इन लोग को उर्मिला और परमिला नाम की लड़की चाहिए, तो हम बोले सीता गीता चलेगा, तो बोल रहा है सब ना सीता गीता नहीं चलेगा, गीता तो हमारी मौसी का नाम है, मेरी बेबी है गीता, सीता गीता नहीं चाहिए। इन लोग को शादी करना है, जल्दी से लड़की खोज के करा दिया जाए। तो गाइस मॉर्निंग हो चुका है और यहाँ पे मैं अपना हेयर कॉम कर रही हूँ। हम लोग रात में होटल में रुके थे, इतने नींद में थे कि कुछ शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो अपना बाल झाड़ लेती हूँ। और ये लोग भी आ गए अपने रूम से। फिलहाल बता दूँ कि हम लोग अभी बैठ के एक जगह बात कर रहे थे, लेकिन हमारा रूम ये वाला है और आपको रूम टूर करा देंगे। और जो दूसरा ये 103 है वो 105 है, उन लोगों का है। तो हम लोगों ने अलग अलग रूम लिया था बिकॉज आराम से सब कोई सो जाए और मुझे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है ऐसे कि रूम वगैरह लेकर के रहूँ मैं कार में, या फिर वहाँ जो धर्मशाला था वहाँ पर मैं बोली कि नहीं मैं भले हम लोग जगह जगह जब तक हैं तब तक ठीक है ऐसे, क्योंकि मेरे को फीड कराना होता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ हर जगह सोने में, तो इसीलिए मैंने बोला। और भाई लोग भी बोले धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, होटल में रुक जाते हैं, जबकि धर्मशाला भी बहुत बड़ा था, बहुत स्पेशियस था और बहुत सारा वहाँ पे जगह था, लेकिन वो उतना ना एक कंफर्टेबल सा नहीं था कि मतलब कभी भी कोई आ सकता है जा सकता है और मेरे को फीड कराना है, तो मैं इसीलिए मैं बोली कि नहीं मैं अपने रूम में। और इसलिए भाई लोग के साथ भी हम लोग मिक्स करके नहीं ले रूम, कि नहीं हम लोग सेपरेट सेपरेट रहेगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी। और लड्डू के पापा की भी प्रायोरिटी वही होती है कि मैं मतलब डायरेक्टली बोल देती थी यार नहीं ऐसे नहीं,
बाकी खाना पीना मैं कहीं भी खा सकती हूँ, लेकिन रहना जहाँ रुकना है वो थोड़ा कंफर्ट जगह होना चाहिए। भले खाने के लिए मैं रेडी पे भी खा लूँगी, लेकिन रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बंद कमरा ही चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, कभी किधर हाथ है किधर पैर है और फीड करा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिलहाल हेयर को कर लेते हैं को। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने अपना बाल बनाया, उसके बाद से ना मुझे कॉल आ गया था, तो मैंने जल्दी अपने बाल को। सो गाइस अभी फाइनली आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मुंह को पूरा वाइप से क्लीन कर लिया, बहुत अच्छा। नहीं करो तुम, इनका कर दो, ये इतना ना खुरापाती कर यो, अब इसकी बारी यो। उखाड़ दिया